हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम इकबाल, आप देख रहे हो इकबाल एडिटिंग। तो आज हम न्यू स्टाइल में हम गिलास फोंट बनाएंगे और न्यू फोंट में। ये फोंट नहीं है, ये मैं बनाया हूँ, ये मेरा बनाया हुआ फोंट है। और पूरा वीडियो देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिक्सेल ऐप ओपन करेंगे और ये इंपोर्ट कर लेते हैं। ये सारा चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ये वन बाय वन करके आप इंपोर्ट कर लेना और यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। जो भी आपका नेम का कैपिटल हो वो एडजस्ट कर लेना। और इसका जो है मैं बैकग्राउंड रिमूव करके बता देता हूँ। तो यहाँ से हम इस बीच वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से रेज कलर में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इनवॉल्व कर देंगे। उसके बाद इसका जो है ये हम टोटल 70 कर देंगे, फुल कर देंगे। उसके बाद कलर पे जाएंगे और इसका कलर वाइट कर लेंगे। और इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको मर्ज कर लेंगे। उसके बाद हम इसको सेव करने के लिए, और एक चीज़ और आप लोग से राय लेना था, आप लोग से ये लेना था कि हम फेसबुक पेज पे लाइव एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप लोग बताइए। तो हम दिन बताते हैं, हफ्ते में रोज़ रोज़ तो नहीं, हफ्ते में हम कम से कम 2 दिन लाइव फेसबुक पेज पे एडिटिंग करेंगे। वो भी एडिटिंग आप लोग के ही बताया हुआ रहेगा, जो आप लोग सेंड करेंगे ना, जो हमको थोड़ा अच्छा लगा उस पर हम ज़रूर लाइव एडिटिंग करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए करें या ना करें। आप लोग बोलेंगे तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे तो नहीं करेंगे। तो ज़रूर आप अपना राय बताइएगा, अपना आंसर दीजिएगा। तो इसको हम ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। ऊपर आइकन है सेव मेमोरी टाइप का बना हुआ, उसके बाद इमेज में जाएंगे और अल्ट्रा में इसको हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम PCC को ओपन करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद हम प्लस में जाएंगे, फ़ोटो लाइब्रेरी में जाएंगे और यहाँ से हम फ़ोटो ले लेते हैं। एक फ़ोटो ले लेने के बाद हम यहाँ से फिर से प्लस में जाके इंपोर्ट कर लेंगे पिक्सेल ऐप में से, जो हम सेव करके रखे हुए हैं उसी को ले लेते हैं। उसके बाद इसको जो है हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद इसका हम दो डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। हर गिलास फोंट में अगर अच्छा बनाना है, इसे तो एक लेयर से भी गिलास फोंट बनता है, दो लेयर से भी बनता है। जो क्वालिटी जो आता है वो 3 लेयर के ही बाद ही आता है। डन कर देंगे और फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके FX में जाएंगे और यहाँ से हम लाइटन लेंगे, सर्कल को निकाल देंगे। बाय डिफॉल्ट सेटिंग इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन। दूसरे को सिलेक्ट करेंगे, FX में जाएंगे, यहाँ से हम ड्रॉप शैडो लेंगे। ब्लर को हम 3 रखेंगे, डिस्टेंस को भी 3 और कलर ब्लैक, और एंगल जो है हम 135 रखेंगे। उसके बाद इसका भी हम प्लस में जाके इसका लेयर में जाके इसका ब्लेंडिंग मोड मल्टी कर देंगे। उसके बाद हम लास्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, FX में जाएंगे, यहाँ से हम बेबल लेंगे और कलर हम वाइट रखेंगे। ब्लर हम 5 रखेंगे, डिस्टेंस भी 5 रखेंगे, एंगल हम 180। दूसरा बेबल लेंगे, इसका एंगल 45। तीसरा बेबल लेंगे, इसका एंगल 135। उसके बाद हम इसी लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ जाएंगे ऊपर में, देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ से क्रूस लेंगे और इसका सेटिंग जो को है कुछ इस तरह से, इसको देखिए इस साइड में हम करेंगे ना तो ये डार्क हो जाएगा, पूरा डार्क ब्लैक, और इस साइड में हम करेंगे तो थोड़ा लाइट आएगा, मेटल टाइप आएगा। तो इसको हम इसी साइड में रखेंगे और इसको भी थोड़ा नीचे ले लेते हैं।
इसी टाइप का हम रखेंगे इसको। उसके बाद हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज नहीं करेंगे, बीच वाली लेयर पे जाएंगे और इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ जाएंगे, ये लेंगे सिलेक्ट टूल और प्लस मोड कर देंगे, ये टिक लगा रहना चाहिए, बीच वाला लेयर सिलेक्ट होना चाहिए, उसी से हम लेयर सिलेक्ट करेंगे। इससे सिलेक्ट नहीं होएगा क्योंकि इससे हम बेबल लगाए हैं, बेबल सिलेक्ट करोगे लेयर तो बेबल ही सिर्फ सिलेक्ट होएगा, ब्लैक एरिया सिलेक्ट नहीं होएगा। तो इसी से हम सिलेक्ट करेंगे, अगर कुछ गलत सिलेक्ट हो जाए तो आप ऊपर से यहाँ से बैक कर सकते हैं। चलें हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि हम लाइव एडिटिंग करें या ना करें। और जिस टाइप का भी करना रहेगा आप लोग ज़रूर वो फ़ोटो आप मेरे फेसबुक पेज पे आप कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे मैसेज करेंगे या पोस्ट करेंगे, हम उसी का एडिटिंग ट्यूटोरियल बताएंगे। तो आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे और इसमें जाएंगे, यहाँ से हम कलर बैलेंस लेंगे और यहाँ से जो है हमको कलर एडजस्ट करना है। तो हम फर्स्ट रेड कलर ही लेंगे, फर्स्ट हम रेड कलर लेंगे। उसके बाद हम दूसरा कलर ले लेते हैं, दूसरा सिलेक्ट करके कलर को जो है हम बांट देंगे, यानी कि कंट्रास्ट बोलते हैं ना, अपोजिट कलर, इसमें का उसमें और इसमें का इसमें कुछ हिस्सा एक्सचेंज कर देंगे। फिर से नीचे आएंगे, नीचे से ही हमको कलर फिल करना है। इस बार हम ग्रीन रखेंगे, ग्रीन ही और डार्क ब्लू। फिरोजी कलर ही रख देते हैं। उसके बाद हम फिर से ले लेते हैं, आराम से आप लोग पिक्सल को सिलेक्ट कीजिएगा और अच्छे से सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही कलर ऐड कीजिएगा, छूटना नहीं चाहिए। मेरा हो सकता है अभी जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में छूट भी जाए, तो आप लोग आराम से कीजिएगा। नीचे आइए और यहाँ जाके कलर ब्लेंड्स ले लेते हैं। इस बार हम कलर पिंक रखेंगे, पिंक रख दिया। उसके बाद हम फिर से जो बचा हुआ है उसे भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यह हो जाने के बाद फिर से नीचे आएंगे, इसमें जाएंगे, यहाँ से हम कलर ब्लेंड्स लेंगे। इस बार हमको इसको भी 100 रखेंगे, इसको भी 100, इसको हम माइनस करेंगे और इसको भी थोड़ा हम माइनस करेंगे, नहीं तो इसको हटा के आप यहाँ से फोटो में जाके यहाँ से सनी अप टर्न ले सकते हैं। 1, 2, 3, 4 टाइम ये रेड और येलो में बटा हुआ दिखेगा। एक और बचा हुआ है तो उसे भी हम कलर कर लेते हैं।
इस पर हमको ग्रीन ले लेते हैं। ये हो जाने के बाद अब इसके बाद हम पत्ती, इसका जो पत्ता है उसे हम कलर कर लेते हैं। तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं अच्छे से। इसी तरह से आप सिलेक्ट कर लेना, नीचे आना और यहाँ से हम ग्रीन ही रखते हैं इसमें। उसके बाद हम ये, आप इस तरह से कलर रख सकते हो। ये हो गया। उसके बाद हम इसका भी हम बता देते हैं ट्यूटोरियल। इसको भी आप एक एक करके सारे को हम सिलेक्ट कर लेंगे आराम से, एक भी छूटना नहीं चाहिए। सारा हो गया। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ से हम ग्रेडियंट्स लेंगे, यहाँ से नहीं लेंगे, इसको हम बीच से ही लेंगे ग्रेडियंट्स। और इसमें हम मिक्स कलर ले लेते हैं इस टाइप का, इस टाइप का भी आप रख सकते हैं, दो कलर में या तीन कलर में भी इसे रखना है तो आप छोटा इसको कर दो, तीन कलर में आराम से ये आ जाएगा इस तरह से। इसको हम दो ही कलर में रखेंगे। उसके बाद हम पत्ता को क्लियर, इसको, इसका पत्ता जो है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि इस पे भी हमको ग्रेडियंट्स ही लेना है तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है, सारा कलर नहीं आया है। अभी लगभग सारा कलर कलर आ गया है तो इसे ले लेते हैं। उसके बाद हम बीच वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम नीचे आएंगे और इसमें जाएंगे, यहाँ से हम कलर बैलेंस लेंगे। फर्स्ट को हम 65 रखेंगे रेड को, और ग्रीन को हम 34, ब्लू को हम 75 माइनस रखेंगे, इस टाइप का आ जाएगा। ये हो जाने के बाद हम इसमें हम एक लाइट यूज़ किए हैं तो वो लाइट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट इसको हम सिलेक्ट करके और यहाँ से हम एफएक्स में जाके, बेसिक में जाएंगे, यहाँ से ग्लो ले लेते हैं, कलर वाइट, ब्लर 0, इंटेंसिटी जो है इसको भी हम कम कर लेंगे, 20 पे रखेंगे। हमको हल्का सा सिर्फ ग्लो लेना है बस। उसके बाद हम ये फ़ोटो को सिलेक्ट करके यहाँ से हम लाइट ले लेते हैं। ये लाइट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद इसको हम कट करेंगे और पेस्ट करेंगे, हल्का छोटा और कर देते हैं इसको। हम यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करेंगे इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन, फिर से पेस्ट करेंगे, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इसका भी ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन, एक हम यहाँ पे ले लेते हैं इसका भी ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन। इस तरह से हम सिलेक्ट कर लेंगे तो ये आपका सेम बन जाएगा। सेम है। और अगर बैक कर लेते थोड़ा, अगर फोटो ज़्यादा लाइट है तो आप इसको डार्क भी कर सकते हैं। फोटो को सिलेक्ट करना, एफएक्स में, इसमें जाना, यहाँ से फुल इन स्टॉक में जाना, टैब फुल रखना, ब्लैक कलर, इसका जो है ओपेसिटी हम कम कर देंगे, इस टाइप का फोटो भी दिखेगा
आपको ब्लर करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोटो भी दिखेगा, आपकी जो एडिटिंग है वो भी दिखेगा। देख सकते हैं एकदम सिल्वर मेटल के जैसा दिख रहा है और कलरफुल में बहुत अच्छा लग रहा है। तो चले यहाँ तक तो हो गया। आप इसको सेव करने के लिए इसका हम एक डुप्लीकेट कर लेते हैं, जो बीच वाला लेयर है जिसमें हम ड्रॉप शैडो लगाए थे, और इसका भी एक डुप्लीकेट कर लेते हैं जिसमें हम बेबल लगाए थे। तो ये हमारा इस तरह से एडिटिंग बन के तैयार हो जाएगा। और इसको हम सेव करने के लिए यहाँ से हम डन करके और सेव कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि हम फेसबुक पेज पे लाइव एडिटिंग करें या ना करें, और अगर करें तो आप लोग बताइएगा, आप लोग की उसका सेंड कीजिएगा, जिस टाइप का हमको बनाना रहेगा आप लोग ही बताइएगा। तो यहाँ तक देख लिए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो हम इसको सेव करने के लिए डन करेंगे और सेव करेंगे।